हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक रेसिपी विद प्रीति। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी से एक ऐसा नाश्ता जो पहले आपको कभी ना देखा होगा ना खाया होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने आधा किलो पत्ता गोभी ली है और इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच नमक। नमक से क्या है, जो पत्ता गोभी में पानी रहता है ना, तो वो अगर नमक डाल देंगे तो वो पूरा पानी जो फालतू है वो निकल जाएगा। और इसको इस तरह से हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, एक्स्ट्रा वाटर जो है सब निकल जाएगा इसका। अब ये देखिए, अच्छे से इसमें नमक मिक्स हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारी गोभी को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको क्या है, दोनों हाथों की मदद से ना इसको इस तरह से जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देते हैं। ये हाथों से की मदद से इस तरह से दबा के, जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देते हैं और एक बर्तन में रख लेते हैं दूसरे। इसी तरह से हम सब गोभी को इस तरह से ही कर लेते हैं। इसका जो नाश्ता है ना, आजकल गोभी क्या ठंड में अच्छी आती है फ्रेश, तो इसको अगर हम यूज़ करते हैं इन दिनों में। और जो लोग गोभी नहीं पसंद करते हैं, जैसे बच्चे नहीं खाते, कुछ लोगों को गोभी पसंद नहीं होती, तो वो भी ये नाश्ता बहुत प्यार से खाएंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से बनाना। ये देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था मैंने वो सब निकाल दिया है। अब हम इसमें जो नमक है वो देख के डालेंगे टेस्ट करके, क्योंकि हमने अभी गोभी में भी नमक डाला था ना, तो कभी हमारा नमक ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए हम टेस्ट करके ही नमक डालेंगे। ये देखिए, इसमें पानी इतना सारा ये पानी निकला, इसको हटा देते हैं। अब हम अपनी पत्ता गोभी में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैं डालती हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इससे क्या है, खट्टापन आएगा। अगर अमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन की कली जो है वो मैंने इस तरह से ये देखी कर ली है, कूट ली है छोटी बारीक बारीक करके। और हरी मिर्चें भी, अगर आपको लग रहा है अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आप उनको इसी में पीस सकते हैं। और 1 चम्मच चीनी। इससे क्या है, ये खट्टा मीठा फ्लेवर जो आएगा ना वो बहुत अच्छा लगता है इसमें। और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 प्याज, ये मैंने इस तरह से काट लिए इसे भी। और ये नाश्ता क्या है, ठंड के मौसम में बहुत अच्छा लगता है और पत्ता गोभी भी अच्छी आती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और जो घर में आपके नहीं खाते हैं पत्ता गोभी, तो उनको भी बहुत पसंद आएगा, वो भी इसे बहुत टेस्ट से खाएंगे। इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और साथ में बेसन। अभी मैं बेसन इसमें 1 कटोरी लिया है, पर मैं इसमें अभी थोड़ा मिलाती हूँ। और साथ में मैंने डाला है 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आपके पास पोहा हो तो आप पोहा पीस के और वो भी मिला सकते हैं। उससे क्या है, थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है और करारापन भी बहुत अच्छा आएगा उससे, तो इसलिए आप चावल का आटा ज़रूर डालें। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप पोहा पीस लें, उसको डाल दें। अब मैं इसको ऐड कर लेती हूँ और देखती हूँ इसमें बेसन की और ज़रूरत है क्या। और हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज और पत्ता गोभी जब नमक डालते हैं ना तो उसमें ऑलरेडी वो पानी छोड़ देती है। अब हम इसको हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। और ये जो हमारा बेसन बचा हुआ है ना, इसको भी हम इसमें मिला लेते हैं। तो इसमें मैंने लगभग 1 छोटी कटोरी बेसन डाला है, तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे हमारे ये सब सब्जी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अगर आपको ये खट्टा मीठा फ्लेवर नहीं चाहिए तो आप इसमें चीनी और अमचूर स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये देखिए, हमारा जो मसाला है ये इस तरह से बन गया है। अब हम इसकी गोल गोल टिक्की सी बना लेते हैं। जितना बड़ा साइज आपको चाहिए उतने हिसाब से आप ले लेते हैं इसमें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए,
हमने ये इस तरह की, इस तरह से टिक्की बना लेते हैं हम इनकी सबकी। और अगर आपके लगे कि आपके हाथ पे चिपक रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं और उस तरह से आप बना सकते हैं। और इसी तरह से मैं सब टिक्की बना लेती हूँ। अब मैंने गैस पे एक पैन रख लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल रख दिया गर्म होने। और अब हम इसे ना डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें जितनी हमारी टिक्की आराम से आएंगी उतना ही रखना है। हम इस तरह से सब टिक्की बना बना के ना और इसमें रख देंगे, जितना आराम से हमारी इसमें सैलो फ्राई हो जाए। और जब तक हमारी एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं होती, तब तक हम इनको नहीं पलटेंगे। थोड़ा सा हमें इनको सिकने देना है नीचे से, नहीं तो क्या है ये टिक्की टूट जाएंगी बीच में से। और इनको क्या है, इसमें नमक हमें सबसे एंड में मिलाना है इस मिक्सर में, क्योंकि नमक क्या है फिर पानी छोड़ देता है सब्जियों में, तो इसलिए नमक सबसे एंड में ऐड करें। अब इसी तरह से हम सब रख देते हैं इसमें। अब ये देखिए हमारे सब जितनी भी टिक्की है ना, नीचे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है। और आपके लिए मैं हमेशा क्या है, नई नई रेसिपी लेके आती हूँ, और जो आप आसान तरीके से बना सकते हैं उनको, जिनको बच्चे बड़े सब लोग बहुत इंजॉय करके खाते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, और मुझे बताइए कि उसमें और नई क्या रेसिपी मैं लेके आऊँ आपके लिए। अब ये देखिए हमारी एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इनको हल्के हाथ से इस तरह से पलट देते हैं, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख जाएंगे। धीरे से, जिससे कि तेल हमारे ऊपर ना आए। आपको अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो तो आप चिमटे की मदद से भी इनको पलट सकते हैं। और इसी तरह से हम सब पलट देते हैं ये, और मीडियम आंच पे दूसरी साइड से भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं इनको। मीडियम आंच रहेगी तो क्या है, ये अंदर तक अच्छे से करारे हो जाएंगे हमारे। अब ये देखिए सब अच्छे से, और इसकी गैस जो है ना मीडियम ही है, इस तरह से हमें इनको गोल्डन ब्राउन करना है। अब हमारे पत्ता गोभी कटलेट बनके तैयार है। ये देखिए ऊपर से इतने करारे क्रंची, और अंदर से ये देखिए कितने अच्छे, पूरा अंदर से टेस्टी, चटपटे, मीठे, खट्टे मीठे, बहुत अच्छा टेस्ट है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इस तरह का बनाने का तरीका, मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।